एक कीवी से क्या होता है जो डाउन ट्रोडन को फार्मर लोग के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये आके यहाँ आने के बाद प्रैक्टिकल भी नॉलेज मिल जाता है और हाउ टू डेवलप आवर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर के बारे में सेक्टर में हमने आगे क्यों जाना चाहिए इसके लिए लेसन और सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है बारामती एग्रो प्रोड्यूसर की कंपनी के तरफ से और कृषि एग्रो संशोधन केंद्र से बहुत अच्छा नॉलेज मिल सकता है। किसान के बच्चे ने ये सोचना चाहिए इस देश का टैक्स पेयर कम्युनिटी कौन है, तो जैन कम्युनिटी है। जैन से कुछ तो सीखना चाहिए, खाली हम सेवा करने से हमारा देश आगे नहीं जाएगा। वी वांट चेंज करना चाहिए तो इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से काम करना चाहिए। जब हमारे पास 5 एकड़ की लैंड है तो उसके साथ 1 एकड़ में एक एनिमल हस्बेंड्री का प्लांट चाहिए, डेयरी का एक सेक्शन चाहिए और फिशरी का एक पॉन्ड चाहिए, तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। और हम आज क्या करते हैं कि हर इंडस्ट्री के पास जाते हैं कि मुझे सर्विस लगाओ, तो मुझे ऐसा किसान का बेटा तैयार करना है कि सर्विस मांगने वाला नहीं तो सर्विस देने वाला बनना चाहिए। इसके लिए सेंटर और स्टेट के लोगों ने भी गवर्नमेंट ने उसके साथ सहयोग करना चाहिए। यही हमारा एनिमल डेयरी और फिशरी एटीएम कार्ड है किसानों का, एक किसानों के लिए एटीएम का कार्ड है, लेकिन उसने वो नज़रिए से देख के काम करेंगे ना तो किसान भी टाटा बिरला अंबानी और अदानी बन सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए अपने ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, बैंक क्या करती किसान के बच्चों को लोन देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन टायर पंक्चर निकलने वाले को लोन देनी चाहती है। मैं मिनिस्टर था तो मैंने बोला यार यही क्यों चल रहा है, हमारे किसान के बच्चे को क्यों नहीं दे रहे। तो ये जब तक हम सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट और लोगों के दिमाग की सोच बदल नहीं जाएगी तब तक नहीं होगी। ये सब मिनिस्टर हम किसान के बेटे हैं, लॉ मेकर एंड लॉ इम्प्लीमेंट बोथ आर द फार्मर्स प्रोडक्ट, लेकिन हमारे फार्मर का हल क्यों नहीं हो रहा है, इसके वजह क्या है, तो उसको कोई ये सीख के हमें आगे निकलना चाहिए। मुझे ये कहना है कि अभी ये जो एग्जीबिशन एग्रीकल्चर एग्जीबिशन मुझे देखने को मिला है, 50 साल आगे की खेती कैसी होगी उसके लिए भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके हम निकल जाएंगे तो इस देश के ऊपर हम अमेरिका के ऊपर भी हम निकल सकते हैं, जा सकते हैं। खाली हम बोलते हैं कि देश को कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान है, लेकिन हम IIT में ज़्यादा लोग लड़के बचते हैं, क्यों बचते हैं, तो हम फेल्योर हो चुके हैं, हमारी पॉलिसी फेल्योर हो चुकी है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री के और स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऑल ओवर इंडिया के उसको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसान को ऐसा इन्वेस्ट करो कि उसके बच्चे इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाएंगे, ताकि IT सेक्टर में न जाए। लेकिन हम उसको प्रोवाइड सपोर्टेड नहीं कर रहे, उसको ज़्यादा सब्सिडी देना चाहिए। अभी ऐसा समझ में आया है कि इतना इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा है, हमारे बच्चे को हमने नारा बना दिया है किसान को बेटे ने सर्विस मांगने वाला नहीं बनना चाहिए तो देने वाला बनना चाहिए, और क्लार्क नहीं कलेक्टर बनना चाहिए, पुलिस नहीं कमिश्नर बनना चाहिए, और सरपंच नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए। ये हमारी सोच है, जब तक ये सोच नहीं होगी, आज इंडिया में देखते हैं अमेरिका के लोगों को ज़्यादा नोबल क्यों मिल रहा है और इंडियन लोगों को नोबल क्यों नहीं मिलता, तो हमारे इंटेलेक्चुअल कोई तो ग्राफ नीचे होगा, हमारा दिमाग तो कुछ तो कम होगा, क्यों हमें संधि नहीं मिल रही है, मौका नहीं मिल रहा है, ये वजह हो रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी एग्जीबिशन से आज हमें, मैं अभी अभी मून के ऊपर जाके आया हूँ, मैं और वीरेंद्र पाटिल साहब, हम दोनों जाके आए, हमें समझ में आया, मैं इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने एजुकेशन किया है, लेकिन आज तक ये मुझे भी ज्ञान में ज़्यादा नॉलेज मिल गया। तो ऐसे एग्जीबिशन से हमारे लोगों की अकल बढ़ जाएगी और लोगों का, और गवर्नमेंट ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने ये लोग जो बोलते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट मैं आपको करूँगा। हमने ये करना चाहिए, बाकी लोग मारवाड़ी समाज कैसा आगे जाता है, तुम रोने वाले नहीं मत बनो, रोने वाले से कुछ नहीं काम, तुम ट्राई करो ना, ट्राई करने से आप सक्सेस हो जाएंगे। इस हिसाब से हमें चेंज करना है, बैंगन से फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो हमें अदरक लगाना चाहिए, अदरक से नहीं हो रहा है एरंडी लगाना चाहिए, थोड़ा सा सीड का भी चेंज करना चाहिए, हमने एटमॉस्फेयर बदल रहा है तो इस हिसाब। और किसान के बेटे ने खाली कैसे खेती के ऊपर नहीं रहना चाहिए, घर में एक तो कलेक्टर चाहिए तो मिनिस्टर चाहिए, तुम पागल बन के खेती वाला है, मेरे 100 एकड़ खेती है, इससे काम नहीं चलेगा ना, टोटल वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज होना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, उसको स्वीकारना चाहिए। आप शाहू फुले अम्बेडकर की 70 साल की बात करेंगे और आगे की नहीं करेंगे तो हम डेवलप कैसा हो जाएंगे, उससे विचारधारा से हमें निकल जाएंगे। शाहू फुले अम्बेडकर को लेना चाहिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी क्या है अडॉप्ट करके उसको दोनों को मिक्स करके आगे जाना है। अभी मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर था, उसकी फिलोसॉफी हमें अडॉप्ट कर रहे हैं, अभी
उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी अभी भी अडॉप्ट कर रहे, वो गवर्नर थे, वो ब्रिलियन थे, अच्छे आदमी थे। अभी ये इंस्टीट्यूट के चेयरमैन काकोलकर साहब है, राजेंद्र पवार है, उसके पिताजी अप्पा साहेब पवार बहुत ही ब्रिलियन, मतलब किसान के बारे में वो रियल साइंटिस्ट है। वो जो जिसने काम किया है उसका माइलस्टोन उसकी हिस्ट्री बननी चाहिए, मिनिस्टर से हिस्ट्री बड़ा होता है। तो मैंने देखता हूँ कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर बहुत हो गए लेकिन अप्पा साहेब पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर के ऊपर है, ही इज़ द साइंटिस्ट। और डाउन ट्रॉडन के लिए क्या करना चाहिए, जिरायत के खेती वाले करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए। अब सौ साइंटिस्ट घूम रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ तो बता रहे हैं कि भाई साइंटिस्ट या ऐसा है वैसा है, वो करना चाहिए। लेकिन ये आदमी ने पौधा लगाया ना पहला, अप्पा साहेब पवार नाम के लड़के आदमी ने यह लगाया, तो उसको मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। और ये जो आरोप करेंगे तो हमारे किसान के बेटे अदानी अंबानी अडवानी और ये रिलायंस का क्यों नीता अंबानी बन जाएंगे।